जय हिंद दोस्तों, सिवाय एमपी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। आज हम एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एमपी बोर्ड रुकजान नहीं के जो रिज़ल्ट है वो सरकार ने जारी कर दिया है, और वो कैसे चेक करना है इसके संबंधित में आज हम आपको इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम गूगल में MPSOS टाइप करेंगे। MPSOS जैसे ही टाइप करते हैं, उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर जो लिंक है वो इसकी ओपन हो जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है MPSOS ओपन हो जाती है। इस पर हम जैसे ही टैप करते हैं तो MPSOS की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन हो जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी जो रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत इसका जो रिज़ल्ट है वो आज हम चेक करने जा रहे हैं। इसका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा उसके संबंध में आज हम जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक लोगो देख सकते हैं, रुक जाना नहीं अब साल बर्बाद नहीं होगा। ये योजना को सरकार ने काफ़ी समय पहले ही लागू कर दिया था। इसका सीधा सा प्रारूप ये था कि जो भी विद्यार्थी ही क्लास 10th और 12th में फेल हो जाते हैं तो उनका साल पूरा बर्बाद ना हो, इसके लिए सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को लागू किया था, जिससे कि किसी भी विद्यार्थी का पूरा साल बर्बाद ना होकर वो उसी सत्र में पेपर दे के अपना पूरा साल को बचा सके। आज हम बात करने जा रहे हैं इसके जो रिज़ल्ट है वो सरकार ने, एमपी बोर्ड ने जारी कर दिया है। इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसे चेक करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम इसकी जो लिंक है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो रुक जाना नहीं योजना एग्ज़ाम जून 2023 क्लास 10th और 12th, इसकी जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दी गई है। इसके लिए सबसे पहले हम इस लिंक पर जैसे ही टैप करते हैं तो एक और नई विंडो पॉपअप ओपन हो जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी जो विंडो है वो ओपन हो रही है, है वो ओपन हो चुकी है। मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड भोपाल, इसके अंतर्गत इसके जो रिज़ल्ट हैं क्लास 10th और 12th के जो वो जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं लॉगिन का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। रुक जाना नहीं योजना जून 2023-24 के अंतर्गत इसका जो रिज़ल्ट है वो एमपी बोर्ड ने जारी कर दिया है। उसका जो रिज़ल्ट है छात्र का वो कैसे देखना है, उसके लिए सबसे पहले हम एग्ज़ाम वाले टैब पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसमें जो इसका जो पॉपअप ओपन हो जाता है, इसमें अब हमें 10th या 12th का जो भी रिज़ल्ट देखना है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 12th का रिज़ल्ट चेक करना है, उसके बाद यहाँ पर छात्र का हम रोल नंबर यहाँ पर फिल करते हैं। जैसे ही इसका रोल नंबर फिल करते हैं और ये जो कैप्चर शो हो रहे हैं उस पर हम जैसे ही इसको कैप्चर को यहाँ पर टैप करते हैं, कैप्चर को टैप करने के बाद ये और इसको लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्र का जो रिज़ल्ट है वो शो हो जाएगा। यहीं से हम अब क्लास 10th और 12th के जो रिज़ल्ट है वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी दोस्तों, आपको कैसी लगी इसके लिए आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम ऐसी जो कोई भी छोटी या बड़ी जानकारी है वो आप पर सबसे पहले पहुंचा सकें। धन्यवाद।